हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? दुश्मनों ने पूछो तारा सिंह कौन है? कोई नाम है? ऐसा कहा जाता है कि बॉलीवुड में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, ना दोस्ती और ना ही दुश्मनी। वक्त हर जख्म भर देता है। 1993 में फिल्म डर के वक्त शाहरुख खान और सनी देओल के बीच कुछ इश्यूज हो गए थे। वर्षों तक दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं की, मगर 2023 में जिस तरह शाहरुख खान ने पठान के साथ वापसी की थी, ठीक उसी तरह गदर 2 के साथ सनी पाजी ने अपना कमबैक किया है। इस फिल्म ने इंडिया बॉक्स ऑफिस पर अब तक 500 करोड़ रुपए का जबरदस्त कलेक्शन कर लिया है। इसलिए शनिवार को इसकी सक्सेस पार्टी रखी गई और इस पार्टी में बॉलीवुड सिनेमा के लगभग सभी सितारे पहुँचे। जो पार्टी की हाईलाइट बने वो थे गौरी खान के साथ पहुँचे किंग खान। बस एक नजर उसको देखा, था उसका रब जाने, मुझको रांझे की हीर लगी। इसके अलावा सलमान खान, आमिर खान, कार्तिक आर्यन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी सहित सभी सितारों ने पार्टी की रौनक बढ़ाई। इस पार्टी में सभी सितारों को एक साथ देखकर ऐसे लगा जैसे आसमान के सितारे जमीन पर उतर आए। अब देखने वाली बात यह होगी कि 7 सितंबर को फिल्म जवान के बाद गदर 2 के कलेक्शन में कितना फर्क पड़ता है और फिल्म का ऑल टाइम कलेक्शन कहां तक पहुंचता है। फिल्म जवान के एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट आप चाहे तो दिन में 3 बार चेक कर लें। पहले 3 दिन के लिए टिकट मिलना मुश्किल है। चाहे तो आप ये बात नोट करके रख लो, फिल्म जवान का फर्स्ट वीकेंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 500 करोड़ रहने वाला है। हो सकता है कुछ लोगों को यकीन ना हो, आप भी देख लेना, अब तो सिर्फ 3 दिन की दूरी है। फिल्म जवान में कई सरप्राइज केमी हो सकते हैं। आप देखते ही रह जाओगे कि ये हो क्या रहा है। ऐसा सुनने में आया है फिल्म में रजनीकांत सर, विजय थलपति, संजय दत्त, रॉकी भाई यश और अल्लू अर्जुन की एक एक झलक देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु में फिल्म का ऑडियो रिलीज फंक्शन और फिर बुर्ज खलीफा पर ट्रेलर के बाद तो ये श्योर हो गया कि 7 सितंबर के बाद सब लोग पठान की नहीं जवान के रिकॉर्ड की बात करेंगे, क्योंकि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अपने फेवरेट स्टार की मूवी रिव्यूज देखने के लिए स्टार्स ऑन स्क्रीन को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन और आपको नोटिफिकेशन समय पे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।